लग गया। आज मैं तुझे मार करके काना बना दूंगा। तुझे लोग देखेगा तो कहेगा साला काना सामने में मिल गया, मेरा यात्रा खराब कर दिया। ऐसा करो मैं तुझे बाबा बना देता हूँ। क्यों? मैं तुम्हारा दोनों आंख फोड़ दूंगा, लोग तुझे सूरदास बाबा कह करके पुकारेगा। कुर्सी लगा दिया, कुर्सी को साफ कर ये बताइए अपना दरबार किस मुंह का है? दरबार इस मुंह का है। और कुर्सी जी महाराज, अरे गलता की बच्चे आ तीन फीट गला दे। सुनो महामंत्री, जब तक मैं तुम्हें दो चार दस कोड़ा नहीं लगाता हूँ तब तक बेटा को गर्मी नहीं चढ़ता है। भगवान महामंत्री, कब तुम सुधरोगे? क्यों तकनी महाराज हमरा मारे छे? अच्छा तकनी हमरा खूब बढ़िया लागे छे, अच्छा लगता है, इसीलिए मार खाता है। महामंत्री तू जानता है कि दरबार में आने के बाद मैं हमेशा अपने पुत्र के बारे में सोचता रहता हूँ। एक बच्चे के लिए मैं एक दो शादी नहीं बल्कि छह छह शादी किया। इस हवेली में मुझे एक दो महारानी नहीं बल्कि छह छह महारानी है बिजली। लेकिन फिर भी विधाता ने किसी की कोख से एक भी पुत्री या पुत्री का जन्म नहीं दिया। महामंत्री तुम ही बताओ, जब मैं अपने राज से गुजर जाऊंगा तो मेरे गुजर जाने के बाद क्या होगा इस राज का? महामंत्री जी महाराज, ऐसा करो आज तू हवेली से जरा मेरी बड़ी महारानी को बुला करके ले आ। जी जी महाराज, मैं बड़ी महारानी के साथ दरबार में कुछ बातें करूंगा। जी महाराज, अभी अभी आप दरबार में इंतजार कीजिए और अभी से मिलते हैं इस राजमाता से। मैं इंतजार करता हूँ बिजली। जी जी महाराज, आइए।
आइए दोस्तों, अभी अभी आप लोगों ने सुना मेरे महाराज का आदेश है, सोनापुर माल गिराने वाले राज माता को अभी अभी साथ लगाकर पुणे महाराज जाना राज दरबार तक पेश करना है। और आइए कहते हैं जिंदगी की सफर में इम्तिहान करते हैं, जिंदगी की सफर में इम्तिहान करते हैं, इस कंपनी में जो दरवेश बिहारी आप सभी के चरणों में प्रणाम करते हैं, तो आइए मिलते हैं राज की राज माता से। जय हो। आहे दिलिया खबरिया आहे क्या मेरे स्वामी मुझे याद किए हैं? ठीक है, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। चलिए रानी